अच्छे मन से जो भी उनका ध्यान रखते हैं, अच्छे मन से जो भी उनका ध्यान रखते हैं, हर संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हनुमान जी रिटेलर नहीं है, होलसेलर है। काम करेंगे तो थोक में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बूटी लेने भेजा, पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आए। माता का पता लगाना था, पूरी लंका फूंक के आ गए। जो काम करते हैं बड़ा करते हैं, छोटा नहीं करते। या तो करेंगे ही नहीं, करेंगे तो फिर दुनिया देखती है क्या हो गया। दुनिया में काम कोई ऐसा नहीं है हनुमान के जो बस में नहीं है। शौहरत होती है ना, धन होता है, गाड़ी बंगला सब होता है, उसको भगवान का नाम भ्रम लगता है। क्या रखा है लेने, क्या करना है मंदिर जाके। लेकिन जब गरारी फंसती है, जब डॉक्टर कहता है ना ऊपर वाले से दुआ करो, मेरे तो हाथ खड़े हैं, तब जाके समझ आता है भगवान है। कोरोना में दुनिया ने समझ लिया, डॉक्टरों ने भी कहा दो लगा दी, अब तुम्हारे ऊपर और भगवान के ऊपर हमें भी नहीं पता। यह सिर्फ कृपा है। और जो आज नहीं मानता हिंदुस्तान, जो लोग कहते थे कि ये वैक्सीन नकली है, मर जाएगी दुनिया, आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंडिया में आके कहता है कि मेरे जो कोरोना की वैक्सीन लगी वो भारत की बनी हुई लगी है। इससे बड़ा हमारे लिए गर्व क्या होगा। और ये वैक्सीन कोई और नहीं, हनुमान जी की कृपा से आई, जो संजीवन लेकर आ गए, इसलिए तो भारत सबसे आगे रहा। लोग कहते थे चार चार साल लग जाएंगे 100 करोड़ का टीका लगाने में, चार चार साल। अभी तो कोरोना को गए को 4 साल नहीं और सबके लगे बड़े। तो ये हनुमान जी की कृपा है, कोई माने चाहे ना माने। दुनिया में काम कोई ऐसा नहीं है, सच्चे मन से जो भी जिनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो भी जिनका ध्यान करते हैं, अरे सच्चे मन से जो भी जिनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो भी जिनका ध्यान करते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो हर हर बालाजी, घर घर बालाजी, हर हर बालाजी, हर हर बालाजी।
आज कुछ नास्तिक भी होंगे, जरूरी नहीं सब आस्तिक होंगे, कई रिश्तेदारी निभाने आते हैं, प्रेम प्यार निभाने आते हैं। उन नास्तिकों से मेरा सवाल है जो कहते हैं ये धर्म कुछ नहीं, अगर धर्म कुछ नहीं तो मरने के बाद अपने शरीर को हरिद्वार क्यों लेके जाते हैं? और हरिद्वार लेके भी जाते हो उस गंगा मैया को धरती पे कौन लेकर आएगा? अगर धर्म में शक्ति ना हो तो यह यमुना, ये गंगा हो सकता है जो अपने सच्चे दिल से आवाज लगाए और वो भगवान को इधर आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो नहीं जो गोलगप्पे खाओ के ऐसे संत नहीं होते, इसलिए साथ दिया करो अपने समाज का, अपने धर्म का साथ दिया करो। कौन कौन साथ देगा? दोनों हाथ उठा के ये बात कट जाए। बच्चों के लिए ताली ले चाहे बेटा कितना प्यारा।
एक स्लोगन चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटों के लिए भी होना चाहिए, हर काम बेटियां ही क्यों कर सकती, उसको होना चाहिए बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ, कुछ वो भी तो करे, सब काम बेटियां, तभी तो समाज बराबर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे के लिए कुछ नहीं है, बेटे के लिए कार चलाओ बस, ऐसा नहीं। चाहे चाहे बेटी कितनी लाडली हो, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए, घर घर में घुमाना ना चाहिए, घर घर में घुमाना ना चाहिए, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, पिता के लिए भी ताली बजाएं। तो 20 रुपए अपने बूढ़े मां बाप को भी दूंगा। वृद्धाश्रम में छोड़कर आते और मंदिरों में प्रसाद दान करते, सोचते हो बराबर हो जाएगा, नर्क में भी जगह नहीं मिलनी साहब। उन मां बाप के पांव छूना ना छूना, मगर उन्हें इस लायक बना दो कि बुढ़ापे में उन्हें किसी के पांव ना छूने। कुछ अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने माँ बाप को दिया करो बुजुर्गों को। वो माँ उस पैसे से जो साड़ी लाएगी ना, उससे वो तन नहीं ढकेगी, पूरे खानदान को ढक देगी कि देखो मेरा बेटा कितना लायक है मेरे लिए साड़ी लेकर। माँ बाप के लिए जरा दोनों हाथ दो Oh,
घोटा लेना प्लास्टिक का और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चढ़ा देना और बोलना बाबा उसको मार दे नहीं तार दे, वो मर गया तुम्हारे कहां से आएंगे। जादू भी करो तो ऐसा जो किसी को तर जाए, बुरा करके क्या करोगे धरती। और सच कहता हूं अर्जी लगाया करो तो किसी के भले की लगाया करो, बुराई के लिए लगाई तो क्या करोगे। मेरी शॉल उतार दीजिए, मैंने उसकी शॉल उतारी तो उसके दोनों हाथ नहीं थे। बोले कन्हैया जी उसने हाथ ले लिए तो क्या हुआ, नाच तो सकता हूँ ना, सेवा तो करके जाऊंगा, हम पर तो कृपा है उसके जरा तारी। ये मौके बार बार बताओ, इतने साल हो गए आपको चंडीगढ़ रहते, यहाँ पर कीर्तन हुआ क्या कभी बालाजी महाराज? पहली बार आया है, शायद इस मंदिर में इतने कीर्तन कर दिए कि उसको भी जगह पसंद आ गई। दोनों हाथ उठाना जरा ताली बजा के मिलकर। साढ़े 500 रुपए खर्चा है जाने का,
550 मणि का, जिसके पास ना हो वो मेरे से ले जाए, मेरी तरफ से चले। और गुजारिश, उस बस को खाली ना जाने दो, अगर कमाई नहीं करेगी तो बंद हो जाएगी। सालासर जाओ उसी बस में, उसी बस में आओ। इतनी संस्थाएं यहाँ आई हैं, अगर आप अपनी तरफ से बसें लेकर जाते हो सालासर तो आप गलत हो। सरकार आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन आप सरकार का साथ देने को तैयार हो। बसें चल रही है चंडीगढ़ से, कौन कौन जाएगा उस बस में? उस बस में जाना एसी है भाई, गर्मी नहीं लगेगी। और बालाजी महाराज के बच्चे तो वैसे ही एसी डीसी में रहते हैं साहब, तकलीफ की क्या बात है। सर वाले में तेरा